और ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ है, और जो कहता है सीना ठोक के कहता है और काम करके दिखाऊंगा। अरे दगे हुए कारतूस की बात ना किया करो भाई आप लोग। और 24 में मोदी जी को झटक देंगे, देखिए ना, जाएंगे गुजरात, झटक देंगे एकदम। 10 मार्च को 10 बजे गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। कौन और ट्यून लग गई तब ना लगी ना, हम जाना थे ना लगी। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, हमें आप कहे नहीं कि बीजेपी उनके डिप्टी सीएम बना के स्टील पे बैठा दिया अलग, तो का आपो के सपा स्टूल पे बैठा दी। देखिए केशव मौर्य जी और ओम प्रकाश राजभर, मौर्य जानते हैं जैसे ये तब तक टाइट रहते हैं जब तक उनके साथ राजभर रहते हैं। अनाई तो इसे पालक खेते में खड़ी है, हंसुआ से काट दे और बाद पालक रख दे आधी घंटा लटक जाई मुरझा गए बाटे अंदर अंदर का मौर्य जी। तब का भइल बा एगो मौर्य जी तो आपके लगे बाने बताए ना कि राजभर के संगे रही तो टाइट रही ना। योगी को आप एक लास्ट सवाल मेरा कहे थे कि योगी को भीख मंगवाने लग छोड़ दूंगा, पहुँचवा दिया हम खुद पहला ही चले गए, पहले पहुँच गए और का हमारे यहाँ सरंगी बजावे वाले हमें भीख मांगे, हम पूछी कहाँ से आलू है कहाँ गोरखपुर से, सरंगियाँ जो ना बजावे ना गो ना गाना गावे सर। आपका भविष्यवाणी सच हो जा रहा का पहले, अब समझ में नहीं आवत हो। योगी से पंगा लेना राजभर की सबसे बड़ी गलती, मीटिंग में योगी ने उठाया सवाल, मोदी साहब चाहते हैं राजभर की एंट्री पर योगी अड़े, मुख्तार समर्थक नहीं चाहिए। मोदी साहब की बीजेपी में योगी ने बनाई एक नई बीजेपी जहां सिर्फ योगी किंग होते हैं। वहीं आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके नेताओं की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली शब्दावली की चिंता भाजपा को करनी चाहिए। अखिलेश ने आगे कहा, मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ बुरे शब्द बोलने के बाद उनका सामना नहीं कर सकता, साथ ही मैं उस भाषा को उपयोग नहीं कर सकता जो राजभर इस्तेमाल करते हैं। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि वे अब केवल उन पार्टियों के साथ चुनाव लड़ेंगे जो आने वाले महीनों में साथ रहेंगे। निजी दौरे पर कन्नौज आए अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 साल बीत गए और काम करने का तरीका दिखाता है कि बीजेपी सरकार ऐसे ही चलेगी। लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, एक तरफ उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी दूध उत्पादों के लिए टैक्स दे रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भगवान शिव का कोई भक्त दूध चढ़ाना चाहता है तो उस प्रसाद पर भी GST देना होगा। उन्होंने कहा कि सावधानी से दूध चढ़ाएं, नहीं तो टैक्स के कारण जेल हो सकती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि कैंसर के मरीजों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, बीजेपी सरकार के पास इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार लोगों के हित में नहीं बल्कि सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में सपा सरकार के तहत एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल तैयार किया गया था, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार इसे अभी तक शुरू नहीं कर पाई है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार के पास कैंसर रोग के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, इसकी निर्माण के नाम पर लूट हुई है, एक मुफ्त डकैती हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस परियोजना का उद्घाटन किया था वह पहली बारिश में ही बह जाएगी। अखिलेश यादव ने आगे भी सवाल किया कि इस एक्सप्रेसवे पर यात्रियों की सुविधा के लिए कोई काम नहीं किया गया, कहीं शौचालय नहीं है, जरूरत पड़ने पर कोई कहां जाएगा, एक्सप्रेसवे को चालू कर दिया गया लेकिन सुविधाएं और पेट्रोल पंप अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं। कि जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे, और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें, ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं, ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो, आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं, और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। पिछली बार आप आए थे तो ये कहा था कि वसूली हो रही है, लिस्ट बन रही है कार्यकर्ताओं की, उसमें क्या होगा कुछ? अब उसमें हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे जहां जहां वसूली हो रही है, एक हमारे साथी ने बता दिया था यार ये सबके सामने,
इसलिए मैं कहूंगा ये जानकारी दें कि जहां जहां पुलिस वसूली कर रही है हमें बताएं। अभी तक कोई लिस्ट ट्रांसफर नहीं गई है, पिछली बार हमने कहा सदन में हम रखेंगे, इसका इंतजार है। और हम तो आपको बता रहे हैं नोएडा में पुलिस कप्तान थे, उन पे आरोप था पैसे को लेन देन लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उसकी एसआईटी बनी, जांच हुई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक आईपीएस ने एक आईपीएस पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया, किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं आरोप लगाया, किसने आरोप लगाया? एक आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए, वो रिपोर्ट कहां है बताइए सरकार। और बहुत सारे लोग हैं हमारे पत्रकार साथी से कहूंगा बहुवन इनको कान में बता देना पुलिस ने किस किस ने पैसा लिया है, नाम बता दो, नाम क्या इनका बताओ भगवान, क्या नाम इनका? अजय मिश्रा है, इन्हें अभी कमरे में ले जाओ, बता दो फिर आपसे सवाल पूछेंगे ना आप।